हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक आपका डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने इक्विवेलेंट सर्किट देखा था, उसमें रोटर रिएक्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस था, और आपका स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर रिएक्टेंस था। ठीक है, तो अब हमें उन सबको फाइंड करना है, कैसे हम उनको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उनको डिटरमाइन करने का जो मेथड होता है, सबसे पहले होता है नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट में मोटर विदाउट नो लोड रन करती है, वो हम देखेंगे। फिर दूसरा होता है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, उसमें रोटर को आप ब्लॉक कर देते हैं किसी शाफ्ट में बेल्ट के द्वारा टाइट कर देते हैं। फिर होता है डीसी टेस्ट, ये डीसी टेस्ट वगैरह जो होता है ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा होता है आपका वीए यानी वोल्ट एमीटर टेस्ट। वोल्ट एमीटर टेस्ट से भी आप वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस ये सब यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नो लोड टेस्ट। तो नो लोड टेस्ट में आपने क्या किया हुआ है, ये आपका एक इंडक्शन मोटर है। इस इंडक्शन मोटर के, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को आपने यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर से थ्री फेज सप्लाई दी हुई है। थ्री फेज सप्लाई ऑटो ट्रांसफॉर्मर से वेरिएबल सप्लाई देते हैं, और ये नो लोड करंट को मेजर करने के लिए एक एमीटर लगाया हुआ INL, दो फेज के बीच एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ जो नो लोड वोल्टेज VNL देगा, जिसको मोटर ड्रॉ करेगी, और ये रेटेड वोल्टेज के इक्वल होता है। तो नो लोड टेस्ट में आप रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। फिर आता है आपके पास एक वाट मीटर ये लगा हुआ W1, एक वाट मीटर W2 ये लगा हुआ है। तो जो आपको टोटल नो लोड पे जो रीडिंग मिलेगी वाट मीटर्स की, वो मिलेगी W1 प्लस W2, यानी दोनों वाट मीटर की रीडिंग के बराबर आपको पावर मिलेगी नो लोड टेस्ट पर। ठीक है, आप यहाँ पे इसमें एक लो पावर फैक्टर वाट मीटर्स यूज करते हैं, ये याद रखना हमेशा। जितनी भी टेस्टिंग होती है ट्रांसफार्मर या इंडक्शन मोटर की, नो लोड टेस्ट में हमेशा आप लो पावर फैक्टर वाले वाट मीटर्स को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा नो लोड टेस्ट में होता क्या क्या है। तो मैं इसको साफ कर दिया। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, आप मोटर की जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट के ऊपर कोई लोड नहीं होता है, विदाउट नो लोड ये NR स्पीड से रन करती है। नो लोड पर स्लिप लगभग जीरो होती है, इसलिए जो रोटर की स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेटली सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल होती है, क्योंकि स्लिप लगभग जीरो होती है, ये आप याद रखना, स्लिप इज वेरी लो। ठीक है, अब जब लोड नहीं है, मोटर रन कर रही है, तो मोटर जो सप्लाई से पावर ड्रॉ करेगी, इनपुट लेगी, वो इनपुट किसके इक्वल होगी, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, आउटपुट प्लस लॉसेस हमारे। अब नो लोड है तो नो लोड पे आउटपुट तो लगभग जीरो होगी, तो आप आउटपुट को नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर दिया आपने, तो जो आपके पास इनपुट होगी ये इनपुट सिर्फ लगभग लॉसेस को सप्लाई होगी। अब लॉसेस में आपके डिवाइड कर देते हैं हम, लॉसेस कौन कौन से होंगे, लॉसेस होंगे स्टेटर लॉस, स्टेटर को सप्लाई दे रहे हैं तो स्टेटर में लॉस होंगे। स्टेटर लॉस दो टाइप के होंगे, कौन कौन से, स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर वाइंडिंग में जो लॉस होंगे वो स्टेटर कॉपर लॉस होंगे। दूसरे होंगे स्टेटर कोर लॉस। ठीक है, दूसरे आपके पास होता है, ये तो क्या स्टेटर की बात, जब ने स्टेटर को सप्लाई किया, स्टेटर कोर लॉस होते हैं स्टेटर की वाइंडिंग में, सॉरी स्टेटर कोर में,
इस टोटल कोर लॉस, और इनको आप आयरन लॉस भी बोलते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं आपके रोटर लॉस। जो रोटर लॉस होते हैं, रोटर लॉस में क्या क्या होंगे, रोटर कॉपर लॉस। जो रोटर कॉपर लॉस होंगे, ये रोटर कॉपर लॉस आप नेगलेक्ट करके मानोगे, ये होंगे नेगलेक्टेड। क्यों? क्योंकि नो लोड पे रोटर करंट अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है, दिस इज वेरी स्मॉल, तो इसलिए जो आपके रोटर कॉपर लॉस आई टू स्क्वायर आर टू होंगे, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? फिर बच गए यहाँ पे क्या, तो इसके बाद आ गए आपके नेक्स्ट लॉसेस जो होते हैं, वो होते हैं मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस में आपके वही विंडेज, फ्रिक्शन, विंडेज एंड फ्रिक्शन। ओके, अब हम चेक करते हैं आपका रेजिस्टेंस कैसे चेक फाइंड करते हैं किसी भी वाइंडिंग का। आपके पास ये कोई थ्री फेज वाइंडिंग है, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, आप इसमें क्या करते हैं, एक फेज और एक इसके न्यूट्रल के बीच एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं, एक एमीटर एक वोल्ट मीटर, और यहाँ से डीसी सप्लाई दे देते हैं। अब इसको डीसी टेस्ट भी बोलते हैं, जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा था ना डीसी टेस्ट, ये वही है। ठीक है, तो डीसी टेस्ट से आपको आरडीसी मिलेगा, इस वोल्ट मीटर और इस एमीटर की रीडिंग का जो रेशो होगा वो आपको देगा डीसी रेजिस्टेंस। अब लेकिन आपको मशीन तो एसी है, वो एसी पे ऑपरेट होगी, तो एसी रेजिस्टेंस होगा आरएसी, तो आरएसी जो होता है वो लगभग 1.5 टाइम्स ऑफ आरडीसी होता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट से ये कितना होता है, 1.5 टाइम्स होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर? अब मैं इस मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, R1 X1 ये स्टेटर हो गया, ठीक है, ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस हो गया XM, R2 X2। अब मोटर नो लोड है, तो मोटर नो लोड पे ओपन होगा लोड टर्मिनल, ठीक है, तो एट नो लोड। क्लियर? ठीक है, अब नो लोड है तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा पूरा पार्ट इधर का, यहां से I1 करंट, ये सप्लाई वोल्टेज V हो गया, तो हम इसको एलिमिनेट करके सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं। सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट रिड्यूस हो जाएगा R1 X1 ऐसे, ये V हो गया, ये I1 हो गया। क्लियर? अब देखो इसमें क्या करना है, आप इसको साफ कर दिया रखता हूं। देखो जो आपका VNL होगा, VNL अपॉन INL, ठीक है, मैं इसको नो लोड वोल्टेज बोल देता ना VNL, और जो ये करंट है ये INL होगा, VNL अपॉन INL इज इक्वल टू आपको मिलेगा ZNL, यानी नो लोड पे इंपीडेंस या नो लोड इंपीडेंस। मैं ZNL को लिख सकता हूं R1 प्लस J X1 प्लस XM, भाई रिएक्टेंस तो सीरीज में आ गया ना ये पूरा, तो ये R1 प्लस J X1 XNL। तो जो WNL होगा, यानी नो लोड पे जो आपका वॉट मीटर की रीडिंग होगी, वो होगी 3 टाइम्स ऑफ INL स्क्वायर RNL,
ठीक है, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा ये फॉर्मूला। आप नो लोड करंट निकालो, आर एन एल निकालो और इसका स्क्वायर कर दो तो आपको आर एन एल मिल जाएगा। तो आपको आर एन एल का फॉर्मूला यहाँ से कितना आ गया, डब्लू एन एल अपॉन 3 I n l स्क्वायर। एक्स एन एल चाहिए, एक्स एन एल नो लोड पे रिएक्टेंस चाहिए। नो लोड रिएक्टेंस कितना होगा, नो लोड रिएक्टेंस हो जाएगा जेड एन एल, आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूले से, तो इस जेड एन एल स्क्वायर माइनस आर एन एल स्क्वायर इसको घटा दो और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नो लोड रिएक्टेंस ऑफ इंडक्शन मोटर। तो अगर आप एक्स एन एल की बात करें तो एक्स एन एल क्या है, ये टोटल रिएक्टेंस ही तो है, विच इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स एन। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है इसके पॉइंट। क्लियर है, अब देखो कुछ पॉइंट नोट करने आपको मैं बोलता हूँ, आप इनको नोट कर लेना। पहला पॉइंट क्या है, ये कैलकुलेशन समझ आ गई, अब इसके बाद करंट हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। इस नो लोड टेस्ट में क्या होता है, जो आपकी करंट होती है, करंट फुल लोड करंट का 20 to 25% होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट वाट वाली करंट से लार्ज होती है, ज्यादा होती है। नंबर थ्री पॉइंट क्या है, जो इनपुट पावर होगी, इनपुट पावर विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंस ऑफ 2 वॉट मीटर रीडिंग। ठीक है, और हम क्या करते हैं, नंबर फोर, इस वॉट मीटर इस टेस्ट से हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, नो लोड टेस्ट में क्या क्या कैल फाइंड होगा, नो लोड करंट, नो लोड पावर लॉस डब्ल्यू नॉट और कांस्टेंट लॉस, ये कांस्टेंट लॉस था आपका डब्ल्यू एन एल, नो लोड आर नॉट, कोर लॉस रेजिस्टेंस और कोर का रिएक्टेंस एक्स नॉट, आई डब्ल्यू और आई म्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका नो लोड टेस्ट है। ठीक है, ये कंप्लीट है। ओके, तो इसको आप कॉपी कर लेना, अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट वीडियो हम ब्लॉक रोटर टेस्ट की बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।